हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सन टैन रिमूवल रेमेडी। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी फेस मास्क है जो सन टैन को रिमूव करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये मास्क आपको हेल्प करेगा स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ, सपल बनाने में। ये बहुत ही अच्छे से स्किन को नरिश करके भी रखेगा, स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ ये पिंपल्स के मार्क्स, एक्ने के मार्क्स को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। और ये सन टैन के लिए तो इफ़ेक्टिव है ही, ये सन टैन को हटाकर फेयर और ब्राइटर स्किन प्रोवाइड करेगा। और साथ ही ये मास्क एंटी एजिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। ये एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देती है स्किन को, जिससे स्किन स्मूथ, ग्लोइंग और यूथफुल बनती है। और इसका रेगुलर यूज़ करने से आपकी कॉम्प्लेक्शन भी निखरने लगेगी और आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। तो ये फेस मास्क को बनाने के लिए हमें लेने होंगे सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन पाउडर। चंदन पाउडर स्किन को डीपली क्लीन करके स्किन से डर्ट, इम्प्योरिटीज को दूर करता है। स्किन टोन को इवन टोन और कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। ये सनबर्न और सन टैन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद हमें ऐड करने हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में मॉइस्चराइजिंग एजेंट होती है जो स्किन को हाइड्रेटेड करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ ये स्किन की इलास्टिसिटी को भी इन्हेंस करती है। अब हमें इसमें लेने हैं हनी, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को हाइड्रेटेड करने में हेल्प करती है। इसमें भी मॉइस्चराइजेशन एजेंट होता है जो स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। ये डल और डैमेज स्किन को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे यानी दूध। हमें इसमें कच्चा दूध लेना है। तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करता है और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। अब लास्ट हम इसमें लेंगे लेमन। लेमन में साइट्रिक एसिड है जो नेचुरली स्किन को लाइटनिंग देने में काम करता है। ये स्किन टोन को लाइटन करने में हेल्प करता है। लेमन एक नेचुरल एक्सफोलिएट भी है जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके स्किन टोन को ब्राइटन करता है। तो अब हमें इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अब ये पेस्ट को हमें क्लीन फेस पे अप्लाई करना है, कोई भी फेस वॉश से फेस को क्लीन करने के बाद। और फिर इसे अप्लाई करके ये मास्क को 20 to 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसे नॉर्मल पानी से वॉश आउट कर लेना है। ये मास्क इंस्टेंट अपना वर्क करता है। स्किन पहले से लाइट दिखने लग जाती है, स्किन में ग्लोइंग इफेक्ट आ जाता है। तो आप ये मास्क को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मास्क है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और अगर है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।